कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अगुवाई में निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा के रोके जाने के विरोध में मंगलवार को राजधानी लखनऊ में कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए। असम में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को स्थानीय प्रशासन के रोके जाने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में काफी ज्यादा आक्रोश है। इसको लेकर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजधानी लखनऊ के परिवर्तन चौराहे पर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जमकर बवाल काटा और विधानसभा की ओर कूच करने निकल पड़े। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस बल ने कांग्रेसी को बैरिकेडिंग लगाकर आगे जाने से रोक दिया। इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ता बैठकर प्रदर्शन करने लगे, लेकिन पुलिस ने जबरन कार्यकर्ताओं को उठाकर बस में भरकर इको गार्डन भेज दिया। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच काफी नोकझोंक भी देखने को मिली। बता दें कि असम के गुवाहाटी में राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा को रोके जाने के विरोध में आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने प्रदेश व्यापी प्रदर्शन का आह्वान किया है। इसको लेकर राजधानी लखनऊ में कांग्रेस जिलाध्यक्ष वेद प्रकाश त्रिपाठी के नेतृत्व में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। दरअसल सोमवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को असम के गुवाहाटी में प्रवेश करने पर स्थानीय प्रशासन ने रोक लगा दी थी, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और असम पुलिस के बीच काफी झड़प भी हुई। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी अपने काफिले के साथ गुवाहाटी शहर में जाना चाहते थे, लेकिन स्थानीय प्रशासन ने इसकी इजाजत नहीं दी और असम पुलिस ने गुवाहाटी शहर की ओर जाने वाली सड़क पर बैरिकेडिंग लगा दी। राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा से आसाम का मुख्यमंत्री खड़ा हुआ है। हिंदुस्तान का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री के खिलाफ जनता सड़कों पर आए, इसलिए उन्होंने राहुल जी को मंदिर नहीं जाने दिया। वो डर गया है, वो गैर मुख्यमंत्री है। कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता राहुल गांधी के लिए सड़कों पे आज आंदोलन है। आज कांग्रेस का कार्यकर्ता परिवर्तन का विधान जा रहा था, लेकिन तानाशाह सरकार के पुलिस के बल पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोका और गिरफ्तार कराया। कांग्रेस कार्यकर्ता राहुल गांधी के लिए सड़कों पे संघर्ष करेगा। जिस प्रकार आदरणीय राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं और जिस प्रकार पूर्वोत्तर के राज्य में लाखों लाख की संख्या में हमारी जनता सड़कों पर आदरणीय राहुल जी के साथ खड़ी हो रही है, उससे बौखला करके, उससे डर करके हमारे आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा कालका हरकत कर रहे हैं। पहले उन्होंने भगवान शंकर देव के मंदिर में आदरणीय राहुल जी को नहीं जाने दिया। हमारे कांग्रेस के नेताओं पर, चाहे आदरणीय जयराम रमेश हो, चाहे राहुल जी का काफिला हो, चाहे एनएसआई हो, सब पर हमले करवा रहे हैं और आज उन्होंने विश्वविद्यालय जाने से रोका। लेकिन आप देखिए कि लाखों लाख की संख्या में आसाम की जनता सड़कों पर आदरणीय राहुल गांधी जी के स्वागत में उमड़ रही है। चाहे अरुणाचल प्रदेश हो, नागालैंड हो, मेघालय हो, मिजोरम हो, जिस प्रकार का जनसमर्थन आदरणीय राहुल जी को मिल रहा है, उससे भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है, लोकतंत्र को कुचल देना चाहती है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता समूचे देश में सड़कों पर उतरा है और हम लोग आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ हैं। ये हमारी भारत जोड़ो न्याय यात्रा सफल होकर रहेगी। राहुल गांधी जी के सिपाही है, हम लोगों का खून खोल गया है। हम लोग राहुल गांधी जी के सिपाही हैं। विधानसभा पर जाकर के झेलने का काम करेंगे, वहां धरना देंगे। हम लोग कानून देश को आजाद कराने वाले हैं, संविधान बनाने वाले हैं। हम संविधान के तहत हर काम करते हैं। संविधान ने हमको हक दिया है, सनातन धर्म ने हक दिया है। सब लोग अपनी आस्था के अनुरूप पूजा पाठ कर सकते हैं। राहुल गांधी को दर्शन करने से मना किया गया? हम सब राहुल गांधी के सिपाही हैं, हम डरने वाले नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी को मुख्यमंत्री 24 में दोषी बना करेंगे।